क्या आपको पता है कैसे रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व की शुरुआत हुई थी? हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना करती है। इस वर्ष यह त्यौहार 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल रक्षाबंधन को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी असमंजस्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य भाद्रपद काल में नहीं मनाया जाता है। इसी वजह से भाई बहन का यह पावन पर्व रक्षाबंधन 12 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत मां लक्ष्मी ने की थी। आज गोरखपुर न्यूज़ आपको रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा बताता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि जब अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे तो उस समय भगवान श्री विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। उस समय राजा बलि ने बिना सोचे भगवान विष्णु को 3 पग देने का वचन दे दिया। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने अपने छोटे से पांव से 2 पग में आकाश और पाताल को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने सिर को भगवान विष्णु के चरण के नीचे रख दिया। यह देखकर भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन मांगा कि वह जब देखें तो उसे भगवान विष्णु ही दिखाई दे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया और तथास्तु कहकर पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाने से माता लक्ष्मी को बहुत चिंता होने लगी। माता लक्ष्मी की चिंता को देखकर देवर्षि नारद ने माता को एक सुझाव दिया कि वह राजा बलि को अपना भाई बना ले। ऐसा करने से उनके स्वामी वापस उनके पास आ जाएंगे। नारद मुनि की बात सुनकर माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके रोती हुई पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुँची। राजा बलि ने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, तुम मेरी बहन बन जाओ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपनी स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार संसार में प्रचलित हो गया। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। उंगली कटने की वजह से रक्त की धार बहने लगी थी। उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी को चीर कर उसके एक टुकड़े को भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। उसके बाद से ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने बहन के रूप में स्वीकार कर उन्हें हर संकट से बचाने का वचन दिया था। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण में निवस्त्र होने से भी बचाया था। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जीताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजय हुए। यह घटना भी सतयुग में हुई थी। सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहां उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी।
इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागे का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर छिटक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया।